हिमाचल प्रदेश मनरेगा एवं निर्माण फेडरेशन की जिला कमेटी द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर मंडी शहर के सेरी चांदनी में धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन का ये कहना है कि मनरेगा मजदूरों को जो सुविधाएं कल्याण बोर्ड के माध्यम से पहले दी जाती थी, उन सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया। उन्होंने बोर्ड के माध्यम से पहले दी जाने वाली सुविधाओं को बहाल करने की मांग की। इस मौके पर मनरेगा मजदूरों से कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार उन्हें 350 रुपए न्यूनतम दिहाड़ी देने की मांग उठाई है। साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मनरेगा में निर्माण फेडरेशन कमेटी द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। वहीं अन्य मांगों को गिनवाते हुए नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने बताया कि मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी व 20 कार्यों की शर्त हटाई जाए। मनरेगा कार्यों की असेसमेंट के लिए अब अलग मापदंड निर्धारित किए जाए। वही उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करती तो वह आने वाले समय में मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन जिला के अन्य मजदूरों को लंबित और करते हुए उग्र आंदोलन का भी गुरेज करने से पीछे नहीं हटेगी। वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसने चुनावों के टाइम कहा था कि हम मनरेगा की जो दिहाड़ी है उस दिहाड़ी को जो है 350 रुपये करेंगे और 200 दिन का रोजगार देंगे, मगर अभी तक उस कार्य को लेकर कोई भी काम जो है अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। और ये यूनियन मांग कर रही है कि 350 रुपये दिहाड़ी और 200 दिन का काम जो है सुनिश्चित करे। दूसरा, जो निर्माण कार्यों के अंदर काम कर रहे हैं, फोर लेन के अंदर या दूसरे जगहों पे काम कर रहे हैं, जो एक श्रमिक कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश के अंदर गठित हुआ था उसके तहत जो सुविधाएँ मजदूरों के परिवार को मिलती थी वो पिछले लंबे टाइम से जो बंद कर दी गई हैं। और वर्तमान की जो सरकार है और जो वो वहाँ उसके सचिव हैं वेलफेयर बोर्ड के हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने उस फैसिलिटी को जो पिछले 3 साल से देनी थी वो जारी नहीं की है, जिसके कारण मजदूरों को नेक समस्याएं आ रही हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि वो जो है फैसिलिटी जल्द से जल्द जो है दे, चाहे वो बच्चों को पढ़ाई का वजीफे थे, चाहे शादी के बाद जो पैसे दिए जाते थे वो हो, या दूसरे जो बीमारी के बाद जो इलाज के लिए जो पैसे लगते थे वो भी जो दिए जाते थे वो भी जो अभी तक जो इसके अंदर नहीं दिए गए। इसके साथ साथ जो आज मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, लगातार बजट के अंदर कटौती की जा रही है और लगातार जो असेसमेंट के नाम पे कटौती की जा रही है, या जो ऑनलाइन हाजिरी के नाम पे या 20 काम एक साथ लागू करने के लिए वो जो बात कह रहे हैं, इस चीज़ को जो है मनरेगा फेडरेशन और निर्माण मजदूर यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये बात को मानती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 20 कामों की शर्त को हटाया जाए, ऑनलाइन हाजिरी की शर्त को भी हटाया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो है बहुत सारी जगह सिग्नल नहीं है, इस कारण जो समस्या है जिन्हों देखने के अंदर मिल रही है। मनरेगा फेडरेशन का भी यही मानना है कि इस ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम को ख़त्म करके जो है ये करें। हिमाचल प्रदेश से जो 5 अप्रैल को किसान मजदूर की रैली इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली के अंदर हो रही है, मिनिमम 50,000 मजदूर हिमाचल प्रदेश से, मजदूर किसान भी हिमाचल प्रदेश से जो दिल्ली कूच कर रहा है और इस सरकार को घेरेगा कि जो आपकी नीतियां हैं, सरकार की बजट कम करने की नीति है या दूसरी नीतियां हैं, उसको जो है ख़त्म करने के लिए जो है एकजुट होकर जो है इस आंदोलन को करेगा।